सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। जैसे कि बात करते हैं दिल्ली से सहारनपुर देहरादून 6 लाइन एक्सप्रेसवे कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है इसी एक्सप्रेसवे पे, और इस एक्सप्रेसवे पे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। जैसे कि बात करते हैं दिल्ली से देहरादून की यात्रा कम समय में आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, जैसे कि 2.5 घंटे में, और ट्रैफिक जाम से भी सुधार आएगा, और एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिमिनेटेड गलियारा भी रहेगा इसी। कनेक्टिविटी में सुधार होगा और जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए जाएंगे इस एक्सप्रेसवे पे के साइड में, जैसे कि 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन भी बनाया जाएगा, जो कि सभी जानवर आके जो है जल पी सकें, इसीलिए वर्षा जल भी बनाया जाएगा। और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट भी बनाया जाएगा कि कहीं भी वो पी सकते हैं। जैसे आप सभी को बता देते हैं, जैसे हरिद्वार हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, शामली हुआ, और यमुनानगर हुआ, बागपत हुआ, मेरठ हुआ, बड़ौद हुआ। 18,000 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना की आधारशिला रखा गया है, जो कि दोस्तों पूरा कर दिया जाएगा जल्द से जल्द ही, जो कि सड़क के बुनियादी ढांचे में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, जो कि जल्द से जल्द बनाने का टारगेट रखा गया है इस एक्सप्रेसवे को। बहुत भाई का कमेंट भी आ रहा था कि कितना परसेंट कार हुआ है दोस्तों, तो वैसे तो बता देते हैं 40 से 45 के आसपास हुआ है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का जमीन भी जो कि 21 गाँव से होकर जा रहा है और कंप्लीट रखा जाता है। जैसे कि बात करते हैं, बहुत भाई सोचते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है।